श्री विजयनगर में अतिरिक्त पानी देने की मांग को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने आईजीएनपी की सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शाखा से मार्च में अतिरिक्त पानी देने की मांग की है। किसानों ने बताया है कि अगर उन्हें अतिरिक्त पानी नहीं मिला तो गेहूं चने की फसल बर्बाद हो जाएगी। अखिल भारतीय किसान सभा श्योपत राम मेघवाल ने बताया है कि विभाग के पास पर्याप्त पानी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सरकार और विभाग किसानों को पानी नहीं देना चाहते हैं। आंदोलन के पांचवें दिन किसानों ने कार्यालय में अधिकारियों को बंधक बना लिया। किसानों ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। राजस्थान सरकार व सिंचाई विभाग इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण के किसानों को जानना चाहता है। 6 मार्च के बाद सिंचाई विभाग ने इस नहर के अंदर सिंचाई सुविधा बंद करने का फैसला किया। जैसे ही समाचार किसानों के पास पहुंचे, हजारों की संख्या में किसान विजयनगर एसी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन महापड़ाव डालकर बैठे थे, लेकिन किसी भी जिम्मेवार अधिकारी ने किसानों से बात करना उचित नहीं समझा। रोष स्वरूप किसानों ने फैसला किया है कि सिंचाई विभाग कार्यालय के तीनों गेट को हमने बंद करके किसानों ने वहां पर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। जब तक अधिकारियों को बाहर नहीं निकलने देंगे, जब तक हमारी सिंचाई सुविधा का फैसला नहीं होता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कमल मिड्ढा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं किसानों की? जी, मैं आपको बता दूं कि किसान जो है मार्च माह में पानी की अतिरिक्त भरी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं विभाग की ओर से जो है 7 मार्च से बंदी घोषित की गई है। ऐसे में किसानों का जो आरोप है कि यदि उन्हें मार्च माह में अतिरिक्त पानी नहीं मिली तो उनकी गेहूं चना की जो फसल वो पूर्ण तबाह हो जाएगी। तो कॉमरेड शोपतराम मेघवाल की अगुवाई में बड़ी संख्या में किसानों ने जो है अधिकारियों को बंदी बना लिया था। 2 घंटे तक ये मामला चला, जिसके बाद अब इसमें लेटेस्ट अपडेट जो है, श्री विजयनगर उपखंड अधिकारी प्रियंका बिश्नोई ने जिला कलेक्टर महावीर वर्मा से कॉमरेड शोपतराम मेघवाल की फोन पर वार्ता करवाई। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि जो चीफ है विभाग के, वो कल पहुंचेंगे, किसानों से वार्ता करेंगे। तो इसके बाद किसानों ने जो है अधिकारियों को कार्यालय से बाहर निकलने दिया है। तो जब किसानों ने अधिकारियों को बंदी बनाया तो यहाँ पर बड़ा जी एसपी राम सिंह, एसडीएम प्रियंका बिश्नोई सहित जो कंपनी के अधिकारी हैं वो भी कार्यालय में बंदी बने रहे। जी, बहुत शुक्रिया कमल हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में इतना ही। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।